हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। StudyIQ के इस वीडियो में मैं अक्टूबर के तीसरे हफ्ते का भाग एक आप तक लेकर आऊंगा। इसमें लगभग 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करूंगा। कल मैंने इसी वक्त आपके समक्ष रखा था दूसरे हफ्ते का भाग दो, तो उसे पहले देखिए, फिर तीसरे हफ्ते का भाग एक देखिए। हमारे SSC बैंक PO, UPSC और SSC AAO एक्सेट्रा कई सारे एग्जाम के लिए पेनड्राइव कोर्सेज आते हैं। अगर घर बैठे आप तैयारी करना चाहते हैं तो दिए हुए तीन में से कोई भी एक नंबर डायल करके आप इसको अवेल कर सकते हैं, या फिर studyiq.com पर जाकर ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली बार इनमें से कौन सा देश है जिसने ये कहा है कि आप 44 बिटकॉइन के बदले में हमारी नागरिकता ले सकते हो? ये एक छोटा सा टापू है, देश तो क्या कहें, लेकिन देश है तो है। वैसे छोटा सा टापू है ये, इसका नाम है वानुआटू। और याद रखिए, जो दुनिया में लीस्ट विजिटेड कंट्री है टूरिस्ट के लिए, यानी कहने का मतलब ऐसा देश जहां पे सबसे कम टूरिस्ट पिछले साल गए, वो है तुवालू। तुवालू है लीस्ट विजिटेड कंट्री। ये सारे छोटे छोटे टापू हैं, नाउरू, तुवालू, वानुआटू, एक और आपने सुना होगा किरीबाती, ये सब। तो इनके नाम याद रखिए, तुवालू है लीस्ट विजिटेड कंट्री और वानुआटू है जिसने अपनी नागरिकता देने का निर्णय लिया है। और वानुआटू की राजधानी है पोर्ट विला, पोर्ट विला। राम सिंह यादव, इनका निधन हो गया। ये कांग्रेस के एक विधायक थे, MLA थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कहां से थे ये? तो ये थे मध्य प्रदेश से, कांग्रेस के MLA, और इनको प्यार से हम दादाजी भी बुलाते थे। मध्य प्रदेश के अंदर है पेंच नेशनल पार्क, इसके अलावा संजय धुबरी नेशनल पार्क, कान्हा, बांधवगढ़ और भी हैं, पेंच, कान्हा, बांधवगढ़, वन विहार भी है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य था जिसने अपना हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बनाया था। दूसरा है आंध्र प्रदेश जिसने अपना हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बनाया है। तो यह है मध्य प्रदेश। राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी, ये कौन से देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने देश में इमरजेंसी लगा दी है 3 और महीने के लिए? इस देश की राजधानी है कैरो, और इस देश में एक इंपॉर्टेंट स्थान है जिसे बोलते हैं तहरीर स्क्वायर। यहां पे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील भी बहती है। यह देश है इजिप्ट। इनमें से कौन सी भारत की खिलाड़ी हैं जिन्होंने इजिप्ट जूनियर एंड कैडेट टेबल टेनिस ओपन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है? क्या नाम है इन खिलाड़ी का? इनका नाम है सेलेना सेल्वा कुमार, SS, सेलेना सेल्वा कुमार। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने 3 तरीके बताए हैं भारत को जिससे हम अपनी व्यवस्था में सुधार ला सकते हैं। इनमें से वो कौन सा नहीं है? पहले तो IMF के बारे में एक चीज समझ लीजिए कि IMF की जो चीफ है, जिन्हें हम डायरेक्टर जनरल बोलते हैं, उनका नाम है क्रिस्टीन ला गार्डे, क्रिस्टीन ला गार्डे, और इसका हेडक्वार्टर है Washington DC में। और अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, IMF ने अपना जो भारत के लिए GDP ग्रोथ का प्रेडिक्शन है वो घटा दिया है, अब IMF के हिसाब से हम कितना परसेंट ग्रो करेंगे? याद रखिए, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना GDP का प्रोजेक्शन घटा दिया है। वर्ल्ड बैंक पहले कह रहा था हम 7.2% ग्रो करेंगे, लेकिन वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हम इस फिस्कल में ग्रो करेंगे 7%। IMF के हिसाब से कितना करेंगे? चलिए एक हिंट देता हूं, 7% से भी कम है। तो इनके हिसाब से एड्रेस द कॉर्पोरेट एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर वीकनेस, यानी हमारे बैंकिंग में हमें सुधार करना है क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ते जा रहे हैं, 12 लाख करोड़ हो चुके हैं, ये इन्होंने सजेस्ट किया है। कंटिन्यू विद द फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल रिफॉर्म्स हमें करने हैं भारत में, और हमें अपने जो लेबर है उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है। लेकिन पहला नहीं है, यानी इंसेंटिव स्ट्रक्चर विद इन द गवर्नमेंट, मुआवजे के लिए उन्होंने कोई बात नहीं की। सो आंसर है फर्स्ट। इनमें से किस व्यक्ति को पद्म प्रभा पुरस्कारम दिया जाएगा पद्म प्रभा मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा? और ये एक मशहूर कवि हैं, बहुत बड़े कवि हैं ये, इनका नाम है प्रभा वर्मा, इनका नाम ही प्रभा वर्मा है। इनको मिलेगा पद्म प्रभा पुरस्कारम 2017। ये एक वैसे पत्रकार भी हैं, और ये जो अवार्ड शुरू हुआ था ये मिस्टर एम के पद्मा प्रभा के को कमेमोरेट करने के लिए उनकी याद में स्टार्ट हुआ था। बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये भारत के कौन से राज्य में इनॉग्रेट की गई? बिरसा मुंडा सिर्फ 25 वर्ष के थे जब उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों में से ये एक हैं। ये यूनिवर्सिटी बनी है गुजरात में। और पूछें बिरसा मुंडा कहाँ के थे, तो ये झारखंड के थे बिरसा मुंडा। और ये बनी है राजपीपला में, राजपीपला टाउन, जो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात में। और नर्मदा एक नदी का नाम भी है, आप जानते हैं, जो अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश में, फिर जाती है महाराष्ट्र, फिर जाती है गुजरात के भरूच में। अभी एक योजना भी चल रही है सोनी योजना, जो नर्मदा अवतारण योजना है, जो बेसिकली
बेसिकली सोनी योजना ये है कि हमें नर्मदा की सिंचाई जो इरिगेशन है उसके लिए स्टार्ट की गई है, और सरदार सरोवर डैम भी नर्मदा नदी के ऊपर ही बना हुआ है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं, अब यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, जो भारत का एकमात्र नेशनल पार्क है जहाँ पे शेर रखे जाते हैं, लायन, और यहाँ से अब पलपुर कुनो नाम का एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में, वहां पे शेर शिफ्ट किए जा रहे हैं। इनमें से कौन सी मेट्रो है भारत की जिसने एक स्कीम लॉन्च करी है 100 आवर्स फ्री बाइसाइकिल राइड पर मंथ, 100 आवर्स फ्री बाइसाइकिल राइड पर मंथ, ये करी है चेन्नई मेट्रो ने। और लखनऊ मेट्रो भारत की पहली मेट्रो है जिसके पास अपना खुद का एफएम स्टेशन है। और दिल्ली मेट्रो भारत की एकमात्र ग्रीन मेट्रो है, डीएमआरसी। अपॉइंटमेंट कमेटी जो कैबिनेट की है उसने कितने नए सेक्रेटरी डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अपॉइंट किए हैं, टोटल सेक्रेटरी हैं 11। और एक बात याद रखिए, मिस्टर अशोक लवासा जो हैं उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री में अब रिप्लेस करेंगे अजय नारायण झा। ये मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट एक अपॉइंटमेंट है। और सी के मिश्रा ये एनवायरमेंट सेक्रेटरी होंगे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और याद रखने हैं आपको, इंजेती श्रीनिवास ये होंगे कॉरपोरेट अफेयर सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और ये पहले स्पोर्ट्स सेक्रेटरी थे। तो बस ये इतने याद रख लीजिए, यही काफी है तीन नाम। मैं रिपीट कर देता हूँ फटाफट, अजय नारायण झा ये मिस्टर अशोक लवासा को रिप्लेस करेंगे एज अ सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इन द एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, और सी के मिश्रा एनवायरमेंट सेक्रेटरी होंगे, और इंजेती श्रीनिवास स्पोर्ट्स सेक्रेटरी थे पर अब होंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर कॉरपोरेट अफेयर सेक्रेटरी। पाकिस्तान ने अभी अभी लॉन्च करी है अपनी पहली मेट्रो ट्रेन सर्विस, इसका नाम इन्होंने रखा है ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन सर्विस। ये इन्होंने कौन से शहर में शुरू करी है, ये शुरू करी है लाहौर में, और इसको बनाया है चाइना ने। 20 साल के लिए इंस्टॉलमेंट पे लोन लिया इन्होंने चाइना से, और चाइना ने पाकिस्तान में एक बंदरगाह भी बनाया है जिसका नाम है ग्वादार। चाइना जो पाकिस्तान है वहां पे कराची जो है वो तट के ऊपर है, वहां पे एक बहुत खूबसूरत बीच है क्लिफ्टन बीच, ये है कराची में। इनमें से कौन से देश के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक सेना के लिए, जो लड़ती है सेना मिलिट्री है उसके लिए घड़ी बनाई है जो न्यूक्लियर बम से भी नहीं फटेगी, ऐसी घड़ी बनाई है, ये कौन से देश के वैज्ञानिकों ने बनाई है? ये बनाई है रशिया के वैज्ञानिकों ने। और रशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन, और रशिया के प्रधानमंत्री हैं, आपको पता भी नहीं होगा रशिया में प्रधानमंत्री भी होता है लेकिन पावरलेस होता है क्योंकि वहां का एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, एग्जीक्यूटिव हेड वहां का राष्ट्रपति होता है, ताकतवर पोजीशन, इंडिया में उल्टा है। तो दमित्री मेडवेडेव ये हैं वहां के राष्ट्रपति, और रशिया की मुद्रा है रूबल। रशिया में वैसे 2018 का फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा, तो अगले ही साल रशिया के अंदर फुटबॉल का वर्ल्ड कप खेला जाएगा। इनमें से सबसे कम उम्र के सेलिब्रिटी कौन है जिनका पुतला बना है मैडम टुसाउड, ये हांगकांग के अंदर एक वैक्स म्यूजियम है, तो इनका मोम से, वैक्स से पुतला बना है। सबसे कम उम्र के ये इंडियन सेलिब्रिटी बने हैं, इनका नाम है वरुण धवन। वरुण धवन ये मशहूर डायरेक्टर डेविड धवन के सुपुत्र हैं, और इनकी एक फिल्म आई अभी जिसका नाम है जुड़वा द्वितीय। इस बार भारत की तरफ से जो ऑस्कर में फिल्म जा रही है वो जा रही है न्यूटन, और न्यूटन फिल्म के डायरेक्टर हैं अमित मसूरकर, वेरी इंपॉर्टेंट अमित मसूरकर। और न्यूटन का रोल करा है राजकुमार यादव ने, राजकुमार राव भी बोलते हैं, राजकुमार यादव भी बोलते हैं, इन्होंने इसका रोल प्ले करा है। इनमें से कौन सा देश है जिसने फ्रूट एंड वेजिटेबल का इंपोर्ट बैन कर दिया है? ये देश कह रहा है कि हम अपना पैसा बचाएंगे, इसके लिए हम दूसरे देशों से फ्रूट और वेजिटेबल नहीं खरीदेंगे। ये डिसीजन लिया है जिम्बाब्वे की सरकार ने। देखिए जिम्बाब्वे जो है इसकी राजधानी है हरारे, और जिम्बाब्वे टेस्ट प्लेइंग नेशन है। जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान, ये जो आईसीसी ने नया टेस्ट मैचेस का वो बनाया लीग, उसमें नहीं खेलेंगे। यही तीन देश हैं जो नहीं खेलेंगे, बाकी सारे खेलेंगे। तो जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान टेस्ट प्लेइंग नेशन है लेकिन ये आईसीसी लीग में नहीं खेलेंगे। और जिम्बाब्वे के जो व्यक्ति हैं, जो वहां के हेड ऑफ स्टेट हैं रॉबर्ट मुगाबे, इनको WHO ने अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया है। इसके लिए काफी बदनामी हो रही है क्योंकि रॉबर्ट मुगाबे ने पूरा जिम्बाब्वे को खत्म कर दिया एक तरह से। ये तानाशाह है वहां के, एक तरह से डिफैक्टो तानाशाह है, और इन्होंने जिम्बाब्वे में बहुत करप्शन करा है और इन्हें WHO ने अपना गुडविल एम्बेसडर बना दिया है। WHO के जो हेड है इस वक्त उनका नाम है टेड्रोस आधानोम। और WHO में जो हेडक्वार्टर है वो जनेवा में है। अब आपके लिए दूसरा सवाल, WHO की जो डेप्यूटी चीफ है वो कौन है? भारत की है ये, और टेड्रोस आधानोम के बाद ये दूसरी सबसे पावरफुल लेडी हो गए, ये सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं, लेडी हैं, और
WHO में इंडियन, इनका नाम कमेंट्स में लिख के बताइए। इनमें से कौन से कोंकणी भाषा के फोक आर्टिस्ट हैं जिन्हें 2017 का कलाकार पुरस्कार देके सम्मानित किया जाएगा मन शोभन कमेटी द्वारा। इनका नाम है गोपाल गौड़ा, गोपाल गौड़ा, और इन्होंने कुडमी नाम का एक कोंकणी फोक आता होता है उसमें अपना योगदान दिया है। कोंकणी फोक आर्ट होता है जिसको बोलते हैं कुडमी। FDDI Act 2017 के जब प्रोविजन लागू होंगे तो उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ग्रांट कर दिया गया है। तो FDDI जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री एस्टेब्लिश कर रही है, इसको कर रही है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और याद रखिए अब FDDI जो है ये डिप्लोमा और डिग्री भी दे सकेगा, ये दे सकेगा। और दूसरी बात, एक चीज़ और याद रखनी है, हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो सुरेश प्रभु हैं जो पहले रेल मंत्री थे, और 1986 में ये एस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। अभी अभी एक डॉक्यूमेंट्री बनी है एन इनसिग्निफिकेंट मैन, ये किसकी किसकी जीवनी है, किसके ऊपर बनी है? ये बनी है दिल्ली के चर्चित चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी के जीवन पर, आम आदमी पार्टी के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं ये। और ये फिल्म ये दिखाती है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो कैसे सीएम बने, कैसे एक आम आदमी भी सीएम बन सकता है। तो ये काफ़ी इंस्पिरेशनल है ये, आप देख सकते हैं इसे। इसको डायरेक्ट करा है खुशबू रंका और विनय शुक्ला ने, खुशबू रंका और विनय शुक्ला। इनमें से कौन से देश का जहाज है जिसका नाम है सोमुद्रा अभिजान, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आया एक गुडविल विजिट पे, तो ये कौन से देश का जहाज है? ये जहाज है बांग्लादेश का, और हमारी नेवी के चीफ हैं सुनील लांबा। और हमारे दो जहाज हैं INS सतपुरा और INS कदमत, ये भी अभी जापान गए हैं। इनमें से कौन से देश का एक रेस्टोरेंट है जिसे इंडिया का नंबर वन रेस्टोरेंट और पूरे एशिया का सेकेंड रेस्टोरेंट ये डिक्लेयर किया गया है, क्या नाम है इस रेस्टोरेंट का? ये नई दिल्ली के अंदर है, इसका नाम है इंडियन एक्सेंट। ये भारत का नंबर वन रेस्टोरेंट रैंक किया गया है ट्रिप एडवाइजर के ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड्स के द्वारा। और ये जो काफ़ी फेमस एक कुक हैं जिनका नाम है मनीष मेहरोत्रा, उनका है ये रेस्टोरेंट, मनीष मेहरोत्रा। इस बार वर्ल्ड फूड डे ये 16 अक्टूबर को मनाया गया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जिसे बोलते हैं WFP इसका हेडक्वार्टर भी रोम में है इटली में। 2017 का थीम क्या था इस बार? इसका थीम था चेंज द फ्यूचर ऑफ माइग्रेशन, इन्वेस्ट इन फूड सिक्योरिटी एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी माइग्रेशन को रोकिए, फूड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करिए। माइग्रेशन का मतलब ये होता है जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे रोजगार के लिए जो हमारे गांव के लोग हैं वो शहरों में जाते हैं, तो ये जो पलायन है रुक जाएगा अगर आप उनको गांव में ही फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देंगे। तो एक चीज और याद रखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2 है वो यही है कि जीरो हंगर होना चाहिए, दुनिया से हंगर मिट जाना चाहिए, और टोटल है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमें पूरे करने हैं 2030 तक। इनमें से कौन सा देश है जिसने अनाउंस करा है कि वो प्रिकॉशनरी फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन यानी FCL इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन है जिसकी वैल्यू है लगभग $9.2 बिलियन, तो आप इसे कह सकते हैं लगभग 65,000 करोड़ रुपए, और इससे वो क्विट कर रहा है, इसका हिस्सा नहीं होगा। और ये देश है पोलैंड, पोलैंड की राजधानी वॉर्सो है, वॉर्सो। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एक एंड्रॉयड ऐप लॉन्च करा है जिसका नाम है यूनियन सहयोग, यूनियन सहयोग को लॉन्च करा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? राजकिरण राय जी। इनमें से यूके का एक बहुत ही कम उम्र का मिलियनेयर बना है, मिलियनेयर मतलब जिसके पास 1 मिलियन पाउंड हो तो वो मिलियनेयर हो गया, लगभग आप कह सकते हैं 8 करोड़ रुपए हो जिसके पास। तो इन्होंने एक अपना ऑनलाइन रियल एस्टेट कंपनी स्टार्ट करी है जिसका नाम है doorsteps.co.uk, तो इसका नाम है इस बच्चे एक तरह से कम उम्र का है काफी ये, इसका नाम है अक्षय रूपारेलिया, ये 19 साल का है सिर्फ। इनमें से किसको फर्स्ट सेंटिनरी नेशनल अवार्ड दिया है साहित्य के लिए? असम साहित्य सभा ने, और असम के जो नए गवर्नर है वो है जगदीश मुखी, और असम जो है इसके सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पे है मनास, ओरांग, आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है,
और सोनाई रुपाई नेशनल पार्क है, कई सारे हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है आसाम हमारे लिए। इसकी राजधानी दिसपुर है और इनका नाम है नमिता गोखले, नमिता गोखले। अब इनको इनकी एक नॉवल भी है जिसका नाम है अ हिमालयन लव स्टोरी, अ हिमालयन लव स्टोरी, ये भी याद रखिए। और एक इनकी जो फर्स्ट नॉवल थी उसका नाम है पारो, पारो। इनमें से कौन से राज्य की पुलिस ने लॉन्च करा है एक इनिशिएटिव जहां पे फुट पेट्रोल ऑफिसर्स विल कीप अ वॉच अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट, यानी एक तरह के फुट पेट्रोल ऑफिसर जो जो जिनके पास कोई साधन नहीं होंगे, जैसे जो पैदल चलेंगे और निगरानी रखेंगे ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। ये एक तरह का नया इनिशिएटिव लॉन्च करा है, ये पंजाब की सरकार ने करा है। सो आंसर है पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनोरे, और पंजाब के जो डीजीपी हैं लॉ एंड ऑर्डर के, वो हैं एचएस ढिल्लों। इनमें से एक किताब है द कोलिशन ईयर 1996 टू 2012, जिसमें गठबंधन की राजनीति के ऊपर चर्चा की है। ये किसने लिखी है? इसको लिखा है प्रणब मुखर्जी ने, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, हमारे 13वें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। इनमें से हमारा भारत का खुद का बनाया हुआ पंडुपी को मार गिराने वाला एक जहाज है हमारा कॉर्वेट, जिसे कहते हैं वॉरफेयर स्टेल्थ कॉर्वेट, स्टेल्थ मतलब जो छुपके वार करता है, ये इंडियन नेवी में शुमार हो गया है। इसका नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम है INS केल्टन, INS केल्टन, और इसे बनाया है GRSE नाम की कंपनी ने कोलकाता में, यानी गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर नाम की कंपनी ने। इनमें से कौन सा जहाज है, इनमें से कौन सा शहर है हमारा जो होस्ट करेगा इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होस्ट करेंगे शिलोंग, और शिलोंग है मेघालय के अंदर। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? मुकुल संगमा, मुकुल संगमा है मेघालय के मुख्यमंत्री। अब आपके लिए आज का तीसरा सवाल, मेघालय के नए गवर्नर कौन है? क्या आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं मेघालय के नए गवर्नर कौन है? और चेरी ब्लॉसम जो त्योहार है ये जापान में भी मनाया जाता है, जापान से ही स्टार्ट हुआ था इनफैक्ट ये। और मेघालय में एक चीज और याद रख लीजिए, मेघालय में एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसे बोलते हैं नोक्रेक, नोक्रेक नेशनल पार्क। इनमें से कौन सा राज्य है भारत का जिसने लॉन्च करा है भवंतर भुगतान योजना फार्मर्स के लिए, जिसमें अगर फार्मर्स की फसल के दाम कम हो जाते हैं तो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा? इससे सरकार के ऊपर 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार होगा। ये लॉन्च करा है मध्य प्रदेश की सरकार ने। अब आपके लिए आज का चौथा सवाल, कौन से राज्य में चलती है भामाशाह योजना? भामाशाह योजना कौन से राज्य की योजना है? कमेंट्स में लिख के बताइए। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे भारत का कोहन एंड वोल्फ की ब्रांड स्टडी के हिसाब से मोस्ट ऑथेंटिक ब्रांड का अवार्ड मिला है, यानी भारत का सबसे ऑथेंटिक जेन्युइन ब्रांड है ये नंबर वन? तो ये है गूगल। और गूगल के फाउंडर कौन थे अगर आपसे पूछ ले तो क्या आप जानते हैं? सर्जे ब्रिन और लैरी पेज। लैरी पेज और सर्जे ब्रिन नाम के व्यक्तियों ने गूगल स्टार्ट किया था। माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। और नंबर दो पे था माइक्रोसॉफ्ट। गूगल के सीईओ भी इंडियन है, सत्यनारायण सुंदर पिच्चई। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्यनारायण नडेला, वो भी इंडियन है। तो और अमेजोन के सीईओ कौन है? जेफ बेजोस। और अमेजोन इसमें थर्ड नंबर पे थी। और पूरी दुनिया में अगर बात करें तो पहले नंबर पे अमेजोन थी, दूसरे नंबर पे एप्पल थी, और तीसरे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट थी। भारत में पूछे तो पहले नंबर पे गूगल, दूसरे पे माइक्रोसॉफ्ट, तीसरे पे अमेजोन। तो क्वेश्चन देख के करिए कि भाई दुनिया में पूछ रहे हैं कि भारत में पूछ रहे हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनके लिए दिवस मनाया गया इस बार, जिसका थीम था चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन एंड गर्ल। यानी कहने का मतलब, हम एक ऐसी कृषि की इकाई जो जलवायु परिवर्तन ना करे, जो क्लाइमेट को सस्टेन करके रखे, और लिंग असमानता ना हो जिसमें, उससे हम नारी का सशक्तिकरण कैसे कर सकते हैं, ये थीम था। तो ये कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। और हमारे रूरल डेवलपमेंट मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, और नरेंद्र सिंह तोमर हमारे माइनिंग मंत्री भी हैं खदानों के लिए। और याद रखिए हमारे जो अर्बन डेवलपमेंट मंत्री हैं अब वो हैं हरदीप पुरी, ये इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी थे यूनाइटेड नेशंस में, अभी हैं सैयद अकबरुद्दीन जो हमारे यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। इनमें से कौन से हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो शेड्यूल्ड एरिया विलेजेस हैं उनमें ग्राम सभा से परमिशन लेनी होगी अगर आप वहां पे कोई शराब की दुकान या बार खोलना चाहते हैं तो? ये कौन से हाई कोर्ट ने कहा है? ये कहा है हैदराबाद हाई कोर्ट ने। हैदराबाद ये तेलंगाना की राजधानी है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव, और तेलंगाना में है मृगावनी नेशनल पार्क, ये याद रखिए मृगावनी नेशनल पार्क है तेलंगाना में।
हैदराबाद में है, और एक और इम्पॉर्टेंट जगह है हैदराबाद में, मैं भी हैदराबाद गया था पिछले महीने एक्चुअली, तो यहाँ पे मैंने हुसैन सागर लेक देखा था जो लुम्बिनी पार्क के बीचों बीच है, हुसैन सागर लेक। और यहाँ पे एक किला भी है, गोलकोंडा फोर्ट बोलते हैं जिसे, गोलकोंडा फोर्ट। और एक चीज़ और याद रखिए, यहाँ पे चार मीनार भी हैं। और हैदराबाद पहले यूनाइटेड आंध्र प्रदेश की राजधानी होती थी, और आंध्र प्रदेश का डांस है उसे बोलते हैं कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। इनमें से किस व्यक्ति को इंदिरा गांधी प्राइज मिलेगा नेशनल इंटीग्रेशन के लिए 2015-16 के लिए, यानी राष्ट्रीय एकता को प्रमोट करने में इनके योगदान के लिए मिलेगा? इनका नाम है टी एम कृष्णा, टी एम कृष्णा। और ये रामोन मैग्सेसे अवार्ड भी जीत चुके हैं। रामोन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है, और ये फिलीपींस की सरकार देती है रामोन मैग्सेसे अवार्ड, तो ये याद रखिए। और 1985 में ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। मूडीज, देखिए दुनिया की सबसे बड़ी तीन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है, पहले नंबर पे है मूडीज, फिर है स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिर है फिच। ये तीन काफी मानी जाती हैं और ये तीनों अमेरिका की हैं। तो मूडीज की इन्वेस्टर सर्विस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लोकल एंड फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स को क्या रेटिंग दी है? ये रेटिंग इन्होंने दी है BAA3/P3। तो ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन है रजनीश कुमार। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एक MOU साइन करा है आबू धाबी ग्लोबल मार्केट के साथ, जिससे ये आपस में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करेंगे, आपसी सहयोग करेंगे? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ये है आबू धाबी ग्लोबल मार्केट, आबू धाबी राजधानी है यूएई की, और ये किया है येस बैंक ने। येस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? राणा कपूर, राणा कपूर। भारत में आपको 6 बैंक ऐसे हैं जिनके मैनेजिंग डायरेक्टर CEO याद रखने हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक के हैं सुनील मेहता, जैसे इलाहाबाद बैंक की है उषानंद सुब्रमण्यम जो पहले पंजाब नेशनल बैंक की थी, शिखा शर्मा है एक्सिस बैंक की, फिर राणा कपूर हो गए येस बैंक के हो गए, HDFC के आदित्य पुरी हो गए, ICICI के चंदा कोचर हो गए, SBI के रजनीश कुमार हो गए। तो ये 6 तो याद रखिए कम से कम। इनमें से किसने वुमेन सिंगल टाइटल जीता, तियानजिन ओपन जीता? ये वापसी करी है इन्होंने, और इन्होंने अपनी आत्मकथा भी अभी भी लिखी है, अनस्टॉपेबल करके इनकी एक आत्मकथा लिखी है, इनका नाम है मारिया शारापोवा। और अगर पूछ लें भाई कहाँ की है, ये रशिया की है ये, इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि इन्होंने ड्रग्स ले लिए थे। और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो खिलाड़ियों पे चेक करती है, उन्होंने ड्रग्स तो नहीं ले लिए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, यानी दुनिया में जो स्टूडेंट्स डे होता है वो 15 अक्टूबर को मनाया गया, ये किसका जन्मदिन होता है? ये जन्मदिन होता है APJ अब्दुल कलाम जी का। APJ अब्दुल कलाम, जिनको भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण सारे सब मिले हुए थे। और एक चीज और, स्विट्जरलैंड की सरकार ने कहा है कि 26 मई, ध्यान से सुनिए इसको, 26 मई को हम मनाएंगे साइंस डे, क्योंकि हम APJ अब्दुल कलाम जी को सम्मानित करना चाहते हैं, क्योंकि अब्दुल कलाम जी स्विट्जरलैंड गए थे 2005 में। तो 26 मई को स्विट्जरलैंड की सरकार मनाएगी साइंस डे। कितने इंडियन पीस कीपर्स हैं जो साउथ सूडान में सैंक्शन किए गए हैं, जिन्हें अवार्ड मिला है यूएन मेडल, क्योंकि इन्होंने अच्छा काम करा यूएन मिशन इन साउथ सूडान? सूडान की राजधानी है खारतुम, ये भी याद रखिए। और यहां पे बात हो रही है लेकिन साउथ सूडान की, तो साउथ सूडान की राजधानी है जूबा, जूबा। और टोटल 50 पीस कीपर्स को ये मिला है। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसका डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रेजरी एंड इंस्पेक्शन ने एक MOU साइन करा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ये SBI ईपे को इनके साइबर ट्रेजरी के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं? ये राज्य है ओडिशा, जहां पे सिमलीपल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और भीतरकनिका नेशनल पार्क है, यहाँ पे गहिरमठ बीच है जहां पे ओलिव रिडली टर्टल होते हैं, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है, भुवनेश्वर को स्मार्ट सिटी बना रहा है जर्मनी, कोची और कोयम्बटूर को भी बना रहा है स्मार्ट सिटी जर्मनी, और फ्रांस बना रहा है चंडीगढ़, नागपुर और पुडुचेरी को स्मार्ट स्मार्ट सिटी। ये सब चीजें याद रखिए। नवीन पटनायक है यहाँ के मुख्यमंत्री। इनमें से कौन सा भारत का शहर है जिसे दुनिया के सबसे बुरे मेगा सिटीज कहा है सेक्सुअल वायलेंस, अगर हम देखें यौन उत्पीड़न बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे, ये थॉमसन रूटर फाउंडेशन ने कहा है। ये है दिल्ली, दिल्ली। ये दुनिया के 19 बहुत बड़े शहर जिनकी आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है, उनका वो किया गया, सर्वे किया गया। इसमें सबसे बुरा है दुनिया में कैरो, इजिप्ट की राजधानी कैरो, और सबसे सेफ है दुनिया में टोक्यो, जो 19 बड़े शहर हैं जिनकी आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन वन ऑफ द वर्स्ट कहा गया है दिल्ली को। और महिलाओं के लिए सबसे अच्छा कहा गया है लंदन को। ओवरऑल सबसे सेफ टोक्यो है, लेकिन महिलाओं के लिए सबसे सेफ है इंग्लैंड की राजधानी लंदन।
इनमें से कौन सा बैंक है जिसने भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन को 2.5 बिलियन लगभग में खरीद लिया है। ये काफी पैसा होता है, $1 बिलियन होता है 6500 करोड़, तो आप ये देख सकते हैं लगभग हो गया 15,000 करोड़ के आसपास हो गया। 15,000 करोड़ में भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन को किसने खरीद लिया है? ये खरीदा है इंडस इंड बैंक, और इसके CEO हैं रमेश सोबती। इनमें से उस प्रोजेक्ट का क्या नाम है जिसे भारत के कृषि मंत्रालय ने लॉन्च करा है? इसमें हमारा जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर मतलब जब फल फूल सब्जियां उगाते हैं उसे हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की मदद से यह प्रोजेक्ट मार्च 2018 तक पूरा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है चमन। हमारे कृषि मंत्री कौन है? राधा मोहन सिंह, जो पूर्वी चंपारण बिहार से लोकसभा सांसद है, और हमारी फूड प्रोसेसिंग मंत्री है हरसिमरत कौर बादल, जो भटिंडा से लोकसभा सांसद है, और हमारे जो जिसे बोलते हैं कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर, जो PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के मिनिस्टर भी हैं, रामविलास पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के, ये हाजीपुर बिहार से लोकसभा सांसद हैं। और चमन की फुल फॉर्म पूछ लें एग्जाम में तो भाई ये भी पता होनी चाहिए, कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, इन शॉर्ट चमन। मैं रिपीट करता हूं, कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, यानी शॉर्ट में चमन। इनमें से कौन सा राज्य है भारत का जो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है भारत की जो राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है एग्री मार्केट रिफॉर्म्स के लिए, यानी एग्रीकल्चर में मार्केट रिफॉर्म आने चाहिए इसके लिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है या फ्यूचर ट्रेडिंग है एग्रीकल्चर में, इन सब के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है नीति आयोग। नीति आयोग के नए वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, और ये राजीव कुमार अरविंद पंगरिया के बाद बने हैं, और नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। रिचर्ड विल्बर, इनका निधन हो गया, ये मशहूर क्या थे? रिचर्ड विल्बर ये बहुत बड़े कवि थे, सो आंसर है पोएट, और ये पुलिट्जर प्राइज भी इन्होंने जीता था, और इन्होंने किसके लिए जीता था? थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड एंड न्यू एंड कलेक्टेड पोएम्स। मैं रिपीट करता हूँ, थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड एंड न्यू एंड कलेक्टेड पोएम्स नाम की दो किताबें हैं, इनके लिए इन्होंने पुलिट्जर प्राइज जीता था, ये अमेरिका के थे। भारतीय नेवी का एक एयरक्राफ्ट है, नेवल एयरक्राफ्ट है ये P-81, ये कौन से देश में अभी अभी गया, क्योंकि वहां पे 10 भारतीय जो हैं वो मिसिंग हैं, क्योंकि इनका एक जहाज डूब गया एमरल्ड स्टार। देखिए मैं रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन को सिंपल बना देता हूँ, एक देश है इसमें एक जहाज डूब गया एमरल्ड स्टार, इसमें 10 भारतीय लोग भी थे वो भी डूब गए, तो उनकी खोज के लिए भारतीय नेवी ने अपना एयरक्राफ्ट भेजा है P-81, कौन से देश में भेजा है? ये भेजा है फिलीपींस में, फिलीपींस की राजधानी मनीला है, मनीला हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, जिसके प्रेसिडेंट है ताके ही को नकाओ, और फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतर्ते। इनमें से कौन सी कंपनी ने लॉन्च करा है एक प्रेरणा नाम का स्कीम जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा सकेगा? ये इन्होंने महिला किसान दिवस के उपलक्ष्य में करा, जो 15 अक्टूबर को मनाया गया, महिला किसान दिवस। देखिए वैसे जो किसान दिवस होता है भारत में मनाया जाता है 23 दिसंबर को, क्योंकि 23 दिसंबर को जन्मदिन होता है चौधरी चरण सिंह का, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, हालांकि इन्होंने संसद कभी नहीं देखा, तो ये कुछ 6 महीने के लिए कुछ लगभग भारत के प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, इनका बर्थडे 23 दिसंबर को मनाते हैं किसान दिवस, लेकिन महिला किसान दिवस मनाया गया 15 अक्टूबर को। तो ये कौन सी कंपनी ने लॉन्च करा प्रेरणा? इस कंपनी के चेयरमैन है आनंद महिंद्रा, ये कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। BNB परिवास ने इनमें से कौन से कंपनी के साथ टाई अप करा है, और दोनों ने मिलकर अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है जिसका नाम है कॉरपोरेट इवेंट कनेक्ट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से, और इसका नाम इन्होंने रखा है TCS क्वार्ट्स। तो कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और टाटा कंपनी के चेयरमैन कौन है? एन चंद्रशेखर। इनमें से कौन सा कानून है जो अभी अभी लागू हो गया है, मतलब इट हैज कम इनटू फोर्स, अभी इसने काम करना स्टार्ट कर दिया है, कौन सा एक्ट है ये? ये है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 2016, BIS एक्ट 2016, जिसमें हमारी जो धातु है, मेटल्स हैं, उनकी हॉलमार्किंग जो है वो मैंडेटरी अनिवार्य कर दी गई है। अब कोई भी सोना हो, चांदी हो, कोई भी धातु हो, उसकी हॉलमार्किंग अब कंपलसरी है। और BIS के अगर पूछे चीफ कौन है, जिन्हें बोलते हैं डायरेक्टर जनरल, तो इनका नाम है सुरीना राजन। इनमें से कौन सा एक्सचेंज है भारत का जिसने एक ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड के अंदर स्टार्ट करा है धनतेरस के ओकेजन पे? धनतेरस अभी 3 दिन पहले था, दिवाली, छोटी दिवाली से 1 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है, और ये किया है मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ने, यानी MCX ने। इसके CEO एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, इनका नाम है मृगांक परांजपे।
मुरुगांग परांज पे। इनमें से सीईओ कौन है, भारती एयरटेल और मिलीकॉम इंटरनेशनल सेलुलर जो दोनों कंपनियां मिल गई हैं, इन्होंने मिलके गहना के अंदर बहुत बड़ी कंपनी बना दी है। गहना की अब ये दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी बन जाएगी, मोबाइल टेलीकॉम कंपनी बन जाएगी, वहां की जो भारती एयरटेल है और मिलीकॉम इंटरनेशनल सेलुलर, और इसके कंबाइंड होकर जो सीए बने हैं उनका नाम है राशि मोतमान। और भारत में जो भारती एयरटेल के सीईओ हैं वो हैं गोपाल विट्टल, और जो इनके चेयरमैन हैं वो हैं सुनील भारती मित्तल। इनमें से कौन सा राज्य है भारत का जिसमें 39% कैंसर केसेस देखे गए हैं भारत के, यानी सबसे ज्यादा कैंसर केसेस इस राज्य में देखे गए हैं? ये ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि पूरे भारत में जितने भी कैंसर होते हैं उनमें 10% होते हैं ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर जो महिलाओं में होता है। और पूरे भारत में जितने भी कैंसर केस है 39% कैंसर केस इस राज्य में रिकॉर्ड किए गए हैं। ये राज्य है हरियाणा, और हरियाणा में है कलेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये दो नेशनल पार्क हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर हैं कप्तान सिंह सोलंकी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने कमेटी बनाई है ये चेक करने के लिए कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो रूल और रेगुलेशन प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं या नहीं। ये कमेटी, इसका हेड कौन होगा? इस कमेटी के हेड होंगे आर गांधी। लेक टंडन, इनका निधन हो गया, ये मशहूर क्या थे? तो ये एक्टर और डायरेक्टर थे, इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म भी थी जिसका नाम है आम्रपाली 1966 में आई थी, और 1966 में ये भारत की ऑफिशियल एंट्री थी ऑस्कर में। और इस साल है न्यूटन, पिछले साल भारत की एंट्री थी ऑस्कर में विसरनय, ये तमिल फिल्म थी एक। तो आंसर है फिल्म्स। कितने कंट्री हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी मानवाधिकारों का जो काउंसिल बनाया है यूनाइटेड नेशन ने, उसमें रखा गया है? कितने देश हैं? टोटल हैं 15 कंट्रीज, 15 देश, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, कतर, ये सब भी हैं इसमें। और ये जनरल असेंबली ने 2006 में बनाया था, इसमें 47 मेंबर का काउंसिल है, और इसमें 15 देश अब और इलेक्ट हुए हैं सर्व करने के लिए। यूनाइटेड नेशंस के हेड हैं इस वक्त एंटोनियो गुटेरेस, और इनकी नेशनलिटी है, नागरिकता है पुर्तगाल की। इनमें से बुकर प्राइज किसे मिला है अपनी किताब लिंकन इन द बार्डो के लिए, मैन बुकर प्राइज, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइज जो साहित्य में दिया जाता है किताबों के लिए। इनका नाम है जॉर्ज सॉन्डर, और ये अमेरिका के हैं। पुनिया श्लोक दास गुप्ता, इनका निधन हो गया, ये मशहूर क्या थे? तो ये पश्चिम बंगाल के बहुत मशहूर कवि थे। सो आंसर है कवि, पश्चिम बंगाल के कवि थे। पश्चिम बंगाल में है बक्सा नेशनल पार्क, BUXA, गोरुमारा नेशनल पार्क, इसके अलावा एक और है नियोरा वैली नेशनल पार्क। नियोरा वैली को पिन वैली से कंफ्यूज मत करना, पिन वैली कहाँ पे है? पिन वैली है हिमाचल प्रदेश में, और एक और है साइलेंट वैली है केरल में। आयुष त्योहार स्टैम्प्स का, ये कहाँ पे होगा? आयुष फेस्टिवल ऑफ स्टैम्प्स, ये कहाँ पे होगा? ये मनाया जाएगा गोवा में। गोवा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर पारिकर, जो पहले रक्षा मंत्री भी थे, और हमारे आयुष के मंत्री कौन है? श्रीपद येसो नायक, ये हैं आयुष के मंत्री। और हमारे कुछ नए मंत्री भी बने हैं, जैसे नए खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, नए हमारे जो जिसे बोलते हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स में मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने हैं विजय गोयल, जो पहले खेल मंत्री थे। हमारे नए पावर ऊर्जा मंत्री और जैविक ऊर्जा के मंत्री हैं आरके सिंह। हमारे नए अर्बन डेवलपमेंट मंत्री हैं हरदीप पुरी। तो जो नए नए सारे हैं उनको याद रखिए। हमारे कौशल विकास के स्किल डेवलपमेंट मंत्री पहले राजीव प्रताप रूड़ी थे, अब हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे तेल और गैस के मंत्री भी हैं। और आयुष मंत्रालय 5 चीजों के लिए है, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। इनमें से उस ऑनलाइन कैंपेन का क्या नाम है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च करा है, जिससे जो महिलाओं के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है उसे खत्म किया जा सके? इसका नाम है आई एम दैट वुमेन, मैं वो महिला हूं। और हमारी मिनिस्टर है मेनका गांधी, ये पीलभीत उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद है। एक और इंपॉर्टेंट बात, एक कैंपेन और चलाया गया मी टू का मतलब है वो महिलाएं जो यौन उत्पीड़न का शिकार हुई हैं बचपन में, उन्होंने कैंपेन चलाया मी टू। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने हमारे कपड़ा मंत्रालय टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के साथ काम करके ये काम करेगी, वीवर जो बुनकर है उनके साथ, और ये हैंडलूम इंडस्ट्री को प्रमोट करेगी? तो ये है मिंत्रा। और मिंत्रा कंपनी के सीईओ हैं अनंत नारायणन, और फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। फ्लिपकार्ट के फाउंडर कौन है?
सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, हमारी कपड़ा मंत्री हैं स्मृति ईरानी और ये हमारी इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग यानी सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने अनाउंस करा है कि उन्होंने हाइपर लूप वन के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है? ये कंपनी है वर्जिन ग्रुप। वर्जिन ग्रुप अब इन्होंने अपने आप को रीब्रांड किया है वर्जिन हाइपर लूप वन। और वर्जिन कंपनी के फाउंडर कौन है? वर्जिन अटलांटिक आपने सुना होगा, रिचर्ड ब्रैनसन। रिचर्ड ब्रैनसन। और एक और पूछते हैं एग्जाम में, एयर एशिया कंपनी के सीईओ कौन है? एयर एशिया कंपनी के सीईओ हैं टॉनी फर्नांडेज। दुनिया की पहली नेगेटिव एमिशन पावर प्लांट ये कहां पे अभी स्टार्ट हुआ है? ये दुनिया का पहला नेगेटिव एमिशन पावर प्लांट है, यानी कहने का मतलब इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है, उल्टा ये प्रदूषण को खत्म करता है, नेगेटिव एमिशन है। ये स्टार्ट हुआ है आइसलैंड में। आइसलैंड ज्वालामुखी बहुत है यहाँ पे, जापान में भी ज्वालामुखी बहुत है, बहुत सारे देश हैं जहाँ ज्वालामुखी बहुत है, रिंग ऑफ फायर में आते हैं बहुत सारे देश जो प्रशांत महासागर के अंदर है, रिंग ऑफ फायर। तो आइसलैंड की राजधानी बहुत कम लोग जानते हैं, रेकियाविक। रेकियाविक है आइसलैंड की राजधानी और यहाँ पे चलता है क्रोना, आइसलैंडिक क्रोना। स्वीडन में भी चलता है स्वीडिश क्रोना, ये सब चीजें याद रख सकते हैं। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, जो हाथ हमें धोने चाहिए उससे बीमारियां नहीं लगती, तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे ये किस दिन मनाया गया? ये मनाया गया 15 अक्टूबर को और इसका थीम था आवर हैंड्स आवर फ्यूचर, हमारे हाथ हमारा भविष्य। इनमें से कौन सा राज्य है जो पहला राज्य बना है टू कॉल अटेंशन एंड एडजमेंट मोशन एंड प्रपोजल्स ऑनलाइन फॉर्म फ्रॉम लेजिस्लेटर? यानी कि अगर कोई विधायक है इस राज्य में, विधानसभा के जो मेंबर है उन्हें विधायक बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए बोलते हैं, वो अब एडजमेंट मोशन ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। ये कौन से राज्य में करा है? ये करा है राजस्थान की सरकार ने। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंबोर है, कियो लाडियो से भरतपुर भी बोलते हैं, डेजर्ट नेशनल पार्क है, और कल्याण सिंह यहाँ के गवर्नर हैं, वसुंधरा राजे यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। और राजस्थान में रावत भाटा नाम का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तमिलनाडु में है कल्पक्कम और कुंडनकलम, और गुजरात में है काकरापार और मिथीवर्डी, और काइगा है कर्नाटक में, तारापुर है महाराष्ट्र में, जैतापुर भी महाराष्ट्र में है, और नरोड़ा है उत्तर प्रदेश में। इनमें से कौन सी टीम है जिसने 37वां ऑल इंडिया गवर्नर्स गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता 10वीं बार? ये हुआ था गंगटोक में, जो सिक्किम की राजधानी है, यहाँ के मुख्यमंत्री है पवन चैमलिंग, और सिक्किम भारत का पहला ओपन डिफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच मुक्त राज्य भी है और भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट भी है। ये जीता है मोहन बागान ने, मोहन बागान ने। इन्होंने हराया किसको? इन्होंने हराया पार्थ चक्र को फाइनल में। ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुके मशहूर नाविक रॉबर्ट शिडिट, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। ये कौन से देश के हैं? ये हैं ब्राजील के, ब्राजील के हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 1996 में, ठीक है, और 2004 दो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते। 96 में ओलंपिक हुए थे अमेरिका में अटलांटा में, और 2004 में हुए थे एथेंस में, और इन्होंने 2000 में यानी जो सिडनी ओलंपिक्स हुए थे 2000 में उसमें सिल्वर मेडल जीता, और बीजिंग के 2008 के ओलंपिक गेम्स में भी सिल्वर मेडल जीता। काफी लेजेंडरी मतलब नाविक थे ये रॉबर्ट शिडिट। इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी हटाने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो किस दिन मनाया जाता है? ये इस बार इसका थीम था आंसरिंग द कॉल ऑफ अक्टूबर 17 टू एंड पॉवर्टी अ पार्ट टूवर्ड्स पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। ये मनाया गया 17 अक्टूबर को। हमारा जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो है अचल कुमार ज्योति, और हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर है दो वो है सुनील अरोड़ा और ओपी रावत। अब जो इलेक्शन कमीशन है हमारा चुनाव आयोग, उसने अनाउंस करा है कि 9 नवंबर 2017 को एक ही चरण में कौन से राज्य में चुनाव होंगे। ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, पिन वैली में बता चुका हूँ, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, वीरभद्र सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के। एक और इंपॉर्टेंट बात, तीन और याद रखिए, इंदर किला नेशनल पार्क भी है यहाँ, इंदर किला, इंदर किला को इंद्रावती से कंफ्यूज मत करना, इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में इंद्रावती। एक है खीर गंगा और एक है सिंबल बारा, सिंबल बारा खीर गंगा और इंदर किला भी है हिमाचल प्रदेश में। इनमें से तीसरा अमेरिकन बाजार फिलेंथ्रोपी अवार्ड, फिलेंथ्रोपी मतलब होता है जब आप बहुत सारा पैसा डोनेट करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, उसे बोलते हैं फिलेंथ्रोपी। तो तीसरा अमेरिकन बाजार फिलेंथ्रोपी अवार्ड किसे मिला है? इनका नाम है अजय राजू, अजय राजू, और इन्होंने फिलाडेल्फिया में काफ़ी अच्छा काम करा है। रॉय डॉटरीज, इनका निधन हो गया, ये मशहूर क्या थे, इनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम था क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा चरित्र प्ले करे थे, एक ही एक्टर के द्वारा इतने सारे चरित्र प्ले करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था। तो आंसर है ये बहुत बड़े एक्टर थे।
कितने स्टूडेंट हैं एसआर इंजीनियरिंग कॉलेज तेलंगाना में जो पांचवें राष्ट्रीय नासा ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज में हिस्सा लेंगे 2018 में, ये सिलेक्ट हुए सारे और ये हैं पांच स्टूडेंट एसआर इंजीनियरिंग कॉलेज तेलंगाना के, और 23 देशों के लोग इसमें हिस्सा लेंगे, 23 देशों के। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, जहाँ पे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी है, और नासा का मिशन जूनो है जुपिटर के लिए और कसीनी है सैटर्न के लिए। अभी अभी एक चीज़ हुई और वो ये, जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 498A जो दहेज के कानून होते हैं उनका गलत इस्तेमाल होता है 498A के तहत, और पहले दहेज के कानून में ये होता था अगर दहेज की कोई भी झूठी केस भी लिखवा दे तो भी पर्सन अरेस्ट हो जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब अरेस्ट नहीं होगा, यानी 498A को थोड़ा सा कम कठोर बना दिया था। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक नया बेंच बैठा है जिसने कहा है कि हम इससे एग्री नहीं करते, यानी 498A को कम कठोर नहीं बनाना चाहिए था। इस बेंच के हेड कौन थे? इस बैंक के हेड हैं दीपक मिश्रा, जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति हैं, 45वें चीफ जस्टिस हैं ये भारत के। सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक एविएशन यानी कापा के हिसाब से, कापा के हिसाब से भारत को कितना पैसा अपनी इंडस्ट्री में सिविल एविएशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर 50 से 60 करोड़ पैसेंजर भारत 2030 तक हैंडल करना चाहता है। भारत 2030 तक चाहता है कि 50 से 60 करोड़ लोग भारत के अंदर विमानों में ट्रेवल करें, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? कापा के हिसाब से हमें करनी पड़ेगी $45 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। ये कितना पैसा होता है आप इसको देख सकते हैं, लगभग ये हो गया 35,000 करोड़ के आसपास हो गया। और हमारे सिविल एविएशन मंत्री कौन है? अशोक गजपति राजू, हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनी है एक रक्षा के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, ये चेक करेगा कि हमारी आर्मी कितनी तैयार है युद्ध के लिए। इसके हेड कौन होंगे? जो उत्तराखंड के लोग हैं वो इनको समझ जाएंगे 2 मिनट में। ये उत्तराखंड के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं, इनका नाम है बी सी खंडूरी। 63वां सालाना राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुआ एपिकॉन का, यानी एसोसिएशन ऑफ फिजियोलॉजिस्ट एंड फार्माकोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, जिसमें डॉक्टर जो दवाई वाले हैं, विक्रेता हैं, मेडिसिनल ड्रगिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, ये सब आते हैं। एपिकॉन कहाँ पे अभी अभी हुआ? एपिकॉन हुआ पुडुचेरी में, और हमारे हेल्थ मंत्री हैं जेपी नड्डा, और साइंस टेक्नोलॉजी और पर्यावरण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इनमें से पहली भारत की महिला कौन बनी है जो वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE बोलते हैं इसे, WWE में जो अपने जौहर दिखाएंगी, इनका नाम है कविता देवी, और कविता देवी हैं हरियाणा की। इन्होंने 2016 के जो साउथ एशियन गेम्स थे उनमें गोल्ड मेडल भी जीता था। और याद रखिए अभी जो WWE चैंपियन है उनका नाम है जिंदर महल, ये भी भारत के हैं। पाकिस्तान ने एक MOU साइन करा है, इनमें से कौन से देश के साथ? पाकिस्तान की ये बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, ये इन्होंने साइन किया है ईरान के साथ। और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं हसन रूहानी, यहाँ की राजधानी है तेहरान, मुद्रा है रियाल, और ईरान में हम एक पोर्ट भी बना रहा है भारत जिसका नाम है छाबार। तो हसन रूहानी को अशरफ घानी के साथ कंफ्यूज मत करना, अशरफ घानी है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति। इनमें से शंघाई मास्टर का खिताब किसने जीता? इन्होंने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी रफाइल नडाल को हरा दिया। रफाइल नडाल स्पेन के हैं और इस साल इन्होंने फ्रेंच ओपन और US ओपन का खिताब जीता। रॉजर फेडरर ने जीता है शंघाई मास्टर चाइना में, और रॉजर फेडरर जो है इन्होंने इस साल जीता है विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ये इनका 94th कैरियर टाइटल था। पहली बार इनमें से कौन सा राज्य है जिसने अनाउंस करा है कि वो एक शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जातियों के लिए एडवाइजरी काउंसिल बनाएगा? ये अनाउंस करा है वेस्ट बंगाल ने, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जैसे सिंगई लीला, जल्दापारा, नियोरा वैली, बक्सा, गोरुमारा इत्यादि। पहली बार जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है AIIA, वो इनॉग्रेट करा प्रधानमंत्री मोदी ने आयुर्वेद दिवस जो 17 अक्टूबर को मनाया गया। कहां पे बना है ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद? ये बना है नई दिल्ली में, और हमारे आयुर्वेद के लिए मंत्रालय है आयुष, जिसके मंत्री हैं श्रीपद यसो नायक। इनमें से किस व्यक्ति को आजीवन अपने योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? सेकंड ब्रिटिश एशियन अचीवर अवार्ड ये जगतवाणी ने ऑर्गेनाइज किया, इनका नाम है लॉर्ड स्वराज पॉल, और इनकी कंपनी का नाम है कपारो। ये वॉल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी जो है उसके चांसलर भी हैं, वॉल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी, और ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग यूनिवर्सिटी चांसलर है यूके में, सबसे लंबे समय तक यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी के ये चांसलर हैं। इनमें से
कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी NIIF में $1 बिलियन यानी 6500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? ये है आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। सो आंसर है आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। पहली बार इनमें से कौन सी भारत की बच्ची है जिसने एक टाइटल जीता बेस्ट परफॉर्मर, ये इन्होंने जीता लिटिल मिस वर्ल्ड 2017 पेजेंट जो ग्रीस में हुआ था। इस बच्ची का नाम है पूर्वी जीबी और इसने कथक पे परफॉर्मेंस दिया, कथक पे। अब आपके लिए आज का चौथा सवाल, ये जो कथक है ये कौन से राज्य का नृत्य है? ये कथक क्या आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं कथक कहां पे किया जाता है? और कथक को कथकली के साथ कंफ्यूज मत करना, कथकली है केरल का, और केरल का एक डांस ओवर है जिसे बोलते हैं मोहिनी अट्टम। आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल जो है, जिसके प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के मशहूर पूर्व बल्लेबाज, और इनको बोलते थे जहीर अब्बास, और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं शशांक मनोहर, और सीईओ हैं देव रिचर्डसन। आईसीसी, इन्होंने एक ट्रायल टेस्ट सीरीज अप्रूव कर दी है, ये कौन से देशों के बीच में खेली जाएगी? ट्रायल टेस्ट सीरीज होगी साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच में। सो आंसर है 2 और 3। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। इनमें से वोल्टास कंपनी ने अपना एमडी सीईओ किसे बनाया है? इनका नाम है प्रदीप बख्शी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। शमशेर खान, इनका निधन हो गया, ये भारत के ओलंपिक्स में क्या थे? ये इंडियन ओलंपिक के ये पहले क्या थे? ये थे स्विमर, ये भारतीय ओलंपिक्स के पहले स्विमर थे। इन्होंने 1956 में जो मेलबर्न ओलंपिक्स हुए थे उनमें हिस्सा लिया था। हालांकि इन्होंने 1962 में जो चाइना के खिलाफ वॉर हुई थी उसमें भी हिस्सा लिया था, और 1971 में पाकिस्तान में जो वॉर हुई थी हमारी पाकिस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, उसमें भी इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हिस्सा लिया था क्योंकि भारत की आर्मी में ये थे। ये आंध्र प्रदेश के थे शमशेर खान, और ये तैराक थे। अभी अभी ये किताब लिखी गई जिसका नाम है बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल। ये ड्रीम गर्ल बोलते थे हेमा मालिनी को, और ये उनकी जीवनी है, बायोपिक है, बायोग्राफी है। ये किसने लिखी है? इसके लेखक हैं राम कमल मुखर्जी। हरियाणा की सरकार ने अभी अभी इनमें से कौन से गांव का नाम पलट के रख दिया है? अभिमन्युपुर, और इन्होंने पहले गुड़गांव का नाम गुरुग्राम पलट दिया, फिर इन्होंने बल्लभगढ़ का नाम बलरामगढ़ कर दिया, और अब इन्होंने हरियाणा की सरकार ने आमिन नाम पलट के कर दिया अभिमन्युपुर। तो ये काफ़ी नाम जो है वो पलटे जा रहे हैं, और जो स्टेशन है एक दो उनके नाम भी पलटे हैं, जैसे एल्फिंस्टीन रोड जो स्टेशन था अब उसका नाम प्रभा देवी हो गया है, और एक स्टेशन था बहुत ही बिजी स्टेशन था उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे रखा गया है, उसका नाम था स्टेशन का एम से था कुछ, अभी याद नहीं आ रहा। खैर आप कमेंट्स लिख के बता सकते हैं अगर आपको याद आ जाए तो, कौन से स्टेशन का नाम अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे रखा गया है। इनमें से कौन दो मेंबर हैं जो रेलवे बोर्ड के अंदर अपॉइंट किए गए हैं? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? अश्वनी लोहानी, जो पहले एयर इंडिया के चेयरमैन थे। अश्वनी लोहानी है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, जो कोयला मंत्री भी हैं, और इन दो व्यक्तियों का नाम है महेश कुमार गुप्ता, और दूसरे हैं डी के गायन। सो आंसर है 3 और 4। वर्ल्ड स्पाइन डे, इसका थीम था योर बैक इन एक्शन। स्पाइन बोलते हैं रीढ़ की हड्डी को, तो इस बार इसका थीम था यूर बैक इन एक्शन। ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 16 अक्टूबर को। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना का IGTB डिजिटल ट्रांजेक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म यूज करने की ठानी है अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए और अपने कैश मैनेजमेंट को करने के लिए? ये बैंक है बैंकॉक बैंक, और बैंकॉक राजधानी है थाईलैंड की। हमारे तेल और गैस के मंत्री और कौशल विकास के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ये पार्टिसिपेट करेंगे 6th एनुअल LNG प्रोड्यूसर कंज्यूमर कॉन्फ्रेंस में। कहाँ पे होगी ये? होगी जापान में, और जापान पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा LNG खरीदता है, यानी नंबर वन इम्पोर्टर है LNG का, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का। तो ये थे तीसरे हफ्ते के भाग एक। आपकी एक शिकायत रहती थी कि मैं बहुत फास्ट समझाता हूँ, तो ये मेरा वीडियो है जिसमें मैंने काफ़ी स्लो समझाया है, काफ़ी आराम से समझाया है। तो अगर आपको ये स्पीड ज़्यादा पसंद है तो कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।